है व्हाट्सअप गाइस, GTA 5 की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस यार, आज की वीडियो में हम अपने इंडियन कार के साथ यहाँ पे एक और चैलेंज लेकर आ गया हूँ। और भाई जो आज की चैलेंज है वो थोड़ी विस्फोटक होने वाली है, नहीं समझे? तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास 10 इंडियन कार्स है, सभी इंडियन कार्स को यहाँ भारी बारिश उस रैंप से जंप करवाने वाले हैं। और भाई जो एक्सप्लोसिव चीज़ है वो उसी के बीच में है। तो चलो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि आखिर वो एक्सप्लोसिव चीज़ यार है क्या। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास यार ऑलमोस्ट 50 गैस टैंक है और यार 15 पेट्रोल टैंक है। तो यार इससे आप आइडिया लगा सकते हो यार कि आज की जो चैलेंज है कितनी खतरनाक होने वाली है। जो भी कार इस सभी टैंक को पार कर लेती है वो तो भाई इस चैलेंज की विनर होने वाली है। बट यार जो भी कार इस चैलेंज को पूरा नहीं करती है, मतलब यार बीच में ही फंस जाती है, तो यार उस कार की नामो निशान मिटने वाली है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई अपनी कौन सी कार इस चैलेंज को पूरा करती है और भाई कौन सी कार भाई जलकर राख होती है। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि यार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको वीडियो ख़राब भी लगी हो तो वो भी कमेंट करो और बताओ कि यार कौन सी चीज़ आपको ख़राब लगी, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि यार मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बट कोई गलती हो रही तो भाई मुझे पता नहीं चल पा रहा है। सो गाइस हेल्प करो यार, इन गलतियों को यार आप ही लोग बता सकते हो। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमारी पहली कार रहने वाली अपनी फॉर्चूनर कार। सो गाइस चलो देखते हैं भाई अपनी ये जो कार है इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। वैसे ये कार काफ़ी बड़ी और हैवी भी है, तो हो सकता है भाई अपनी कार बीच में ही रह जाए। तो चलो यार देखते क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे 90 का स्पीड पार हो चुकी है और यहाँ 100 पार हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे ओ भाई साहब देख सकते हो यार अपनी कार भाई बीच में ही फंस चुकी थी और भाई यहाँ पे पूरी तरह से जलकर राख हो गई अपनी कार यार, देख सकते हो। और सारी की सारी यार टैंक भी जल चुकी है। सो गाइस यहाँ पे अपनी कार यार फॉर्चूनर कार इस चैलेंज को पार करने में यार फेल हो चुकी है। सो गाइस चलो यार बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। और राइट गाइस यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कार रहने वाली अपनी किया की सेल्टोस। सो गाइस चलो देखते हैं भाई अपनी किया की सेल्टोस भाई इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। और भाई यहाँ पे अपनी कार यार 100 की स्पीड पकड़ने वाली है और भाई पार हो चुकी है। और यहाँ पे अपनी यार कार ने जंप लगा लिया और भाई यहाँ पे बूम, ओ भाई साहब अपनी कार यहाँ पे अपनी जो सेल्टोस कार है वो भी भाई पूरी तरह से जलकर राख हो गई भाई, बीच में ही फंस चुकी थी अपनी कार। और भाई साहब चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। इसी के साथ यार अपनी सेल्टोस कार भाई चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाती है और भाई देख सकते हो सारी के सारी टैंक जलकर राख हो गई है और साथ में अपनी कार भी। और एट गाइस यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कार रहने वाली अपनी टोयोटा की हाईलैंडर। सो गाइस चलो देखते हैं भाई अपने जो हाईलैंडर है इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। और गाइस यहाँ पे आप कार की स्पीड देख पा रहे हो यार बहुत धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। और गाइस यहाँ पे 100 भी पार नहीं, और भाई यहाँ पे कार अपनी जंप करने वाली है। और गाइस यहाँ पे यार अपनी कार यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब अपनी कार यार यहाँ पे हवी हवा में और भाई पूरी तरह से भाई अपनी कार जलकर राख हो गई है। और भाई इसी के साथ अपनी जो हाईलैंडर है भाई इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो गई है। सो यार चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ भाई, देखते हैं अपनी नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है जो इस चैलेंज को पूरा करती है। सो गाइस यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कार रहने वाली है अपनी नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन। तो देखते हैं भाई अपनी जो नेक्सॉन कार है भाई इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। और भाई जो अपनी नेक्सॉन कार है इसकी स्पीड भाई बढ़िया है, बट यार थोड़ी हैवी है तो हो सकता है भाई ये कार भी अपनी बीच में फंस सकती है। सो चलो यार देखते हैं क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे यार स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ती जा रही है और भाई यहाँ पे 100 पार कर चुकी है अपनी कार भाई स्पीड। और गाइस यहाँ पे जंप कर चुकी है अपनी कार और भाई साहब वो भाई अपनी नेक्सॉन भाई बहुत दूर आ चुकी है। और गाइस इसी के साथ यार अपनी नेक्सॉन कार जो भाई इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाती है। सो गाइस चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ भाई, देखते हैं भाई नेक्स्ट कार अपनी कौन सी होने वाली है। सो गाइस यहाँ पे यार अपनी नेक्स्ट कार रहने वाली है अपनी हुंडई की वेन्यू। सो गाइस चलो देखते हैं भाई अपनी जो वेन्यू है इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं।
वैसे यार इस कार की स्पीड की बात की जाए तो इस कार की स्पीड काफ़ी बढ़िया है, तो हो सकता है भाई अपनी कार इस चैलेंज को पूरा कर ले। तो देखते हैं क्या सीन होने वाला यहाँ पे। और भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार कार की स्पीड भाई बहुत ही कम समय भाई 130 की स्पीड पार कर चुकी है अपनी कार। और गाइस यहाँ पे यार अपनी कार बाल बाल बची और भाई इसी के साथ यार अपनी हुंडई की वेन्यू इस चैलेंज की विनर हो चुकी है। सो गाइस इस कार को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और देखते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है जो इस चैलेंज की विनर होती है। और राइट गाइस यहाँ पे यार अपनी नेक्स्ट कार आने वाली है अपनी सुजुकी स्विफ्ट। सो गाइस चलो देखते हैं भाई अपनी जो स्विफ्ट कार है इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। और गाइस यहाँ पे अपनी कार यार निकल पड़ी है और भाई स्पीड देख सकते हो यार अभी काफ़ी कम स्पीड है बट यहाँ पे 100 की पार कर चुकी है स्पीड। और भाई यहाँ पे अपनी कार ने जंप लगा लिया और भाई ओ भाई साहब ओ भाई साहब कार के सारी दरवाजे भाई देख सकते हो भाई उड़ रही थी। और भाई यहाँ पे जो एक व्हील है वो भी भाई गायब हो चुका है अपनी कार की। और भाई इसी के साथ यार अपनी सुजुकी स्विफ्ट भाई चैलेंज को पार करने में फेल हो चुकी है। सो गाइस चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और देखते हैं कि अपनी नेक्स्ट कार यहाँ पे कौन सी होने वाली है। और एट गाइस यहाँ पे यार अपनी नेक्स्ट कार आने वाली है अपनी टाटा सफारी डाइकोर। सो गाइस देखते हैं भाई अपनी सफारी डाइकोर भाई चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। वैसे यार ये जो कार है अपनी स्पोर्ट्स कार है तो इससे काफ़ी उम्मीद है भाई मुझे, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। और गाइस स्पीड देख पा रहे हैं इसकी स्पीड भाई 100 पार हो चुकी है और भाई साहब 130 भी पार 140 ओ भाई साहब 150 के पार हो चुकी है। और भाई साहब यहाँ देख सकते हो जो अपनी कार है बहुत यार ऊँचे छलांग लगाकर भाई चैलेंज को पार कर चुकी है, सारी टैंक को पार कर चुकी है। और भाई इसी के साथ अपनी यार सफारी डाइकोर इस चैलेंज की यार दूसरी विनर हो चुकी है। सो गाइस अपनी इस डाइकोर की परफॉर्मेंस के लिए भाई 1 लाख तो बनता है, तो फटाफट अपनी सफारी डाइकोर के लिए भाई 1 लाख कर दो और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ भाई, देखते हैं अपनी नेक्स्ट कार यहाँ पे कौन सी होने वाली है। और एट गाइस यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कार रहने वाली है अपनी महिंद्रा की थार। सो गाइस चलो यार देखते हैं भाई अपनी जो महिंद्रा की थार इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। वैसे यार ये जो कार है अपनी भाई काफ़ी दमदार है बट थोड़ी हैवी भी है, तो हो सकता है भाई अपनी कार बीच में ही फंस जाए बट जो भी। और चलो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। और यार अपनी कार निकल पड़ी है भाई इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बट यार इसकी स्पीड भाई बहुत ज़्यादा कम है। और भाई यहाँ पे 80 की स्पीड पार हो चुकी है, 90 की पार हो चुकी है। और भाई यहाँ पे अपनी कार ओ भाई साहब बूम ओ भाई अपनी थार भाई पूरी जलकर राख हो गई है। और भाई काफ़ी मतलब यार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी जिसके कारण भाई अपनी जो कार है बीच में ही रह गई थी। और भाई यहाँ पे जो अपनी कार इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाती है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो अपनी टैंक है वो कुछ बची हुई है, तो चलो यार इसे हम ब्लास्ट करते हैं। और गाइस जहाँ पे गैस लीक होनी शुरू हो गई है और भाई साहब ओ भाई साहब हैप्पी दिवाली यार हैप्पी दिवाली। सो गाइस चलो यार मस्ती बहुत हो गई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस जहाँ पे अपनी सेकंड लास्ट कार होने वाली है अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। सो गाइस आपको क्या लगता है भाई ये कार भाई चैलेंज को पूरा कर पाएगी कि नहीं, आप यार कमेंट करके बताओ। और चलो देखते हैं बाकी क्या होने वाला है यहाँ पे। और गाइस जहाँ पे अपनी कार निकल पड़ी और भाई देख सकते हो जो स्पीड है कार की भैया 80 पार हो चुकी है बट मुझे नहीं लगता कि इस स्पीड के साथ अपनी कार यार भाई इस रैंप को पार कर पाएगी। और भाई यहाँ पे कार की डायरेक्शन चेंज हो गई है और भाई यहाँ पे अपनी कार बाल बाल बच गई है बट यार यहाँ पे ना अपनी कार फेल हुई है ना यहाँ पे भाई अपनी कार पास हुई है, तो चलो एक बार फिर से इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई दूसरी बार अपनी कार भाई ब्लास्ट होती है इस रैंप को पार करती है। और गाइस जहाँ अपनी कार दूसरी बार भाई निकल पड़ी है चैलेंज को पूरा करने के लिए और भाई देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे 90 की स्पीड पार हो चुकी है, 100 भी पार हो चुकी है। और भाई यहाँ पे कार ओहो भाई यहाँ पे बूम ओ भाई अपनी स्कॉर्पियो भाई देख सकते हो भाई सारी की सारी पूजा भाई ऊपर उड़ रही है। और भाई इसी के साथ यार अपनी स्कॉर्पियो कार इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाती है। सो गाइस चलो इसे यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस यहाँ पे हमारी लास्ट कार है भाई टोयोटा की लैंड क्रूजर। सो गाइस चलो फटाफट देख लेते हैं भाई जो अपनी लैंड क्रूजर है इस चैलेंज को पूरा कर पाती है कि नहीं। वैसे यार इस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा यार मुझे कम लगी, सो चलो देखते हैं क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। और भाई यहाँ देख सकते हो अपनी कार निकल पड़ी है और भाई यहाँ पे 50 का स्पीड पार हो चुकी है, 60 70 और भाई यहाँ पे 80 भी पार हो चुकी है।
और यहाँ पे यार 90 के स्पीड में कार अपनी जंप लगा चुकी है, और भाई साहब ओह भाई साहब यहाँ पे अपनी लैंड क्रूजर बीच में ही रह गई है, और गाइस यहाँ पे अपनी लैंड क्रूजर भाई चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाती है। सो गाइस यहाँ पे हमारी चैलेंज समाप्त होती है, और भाई रिजल्ट आपके सामने है, मात्र हमारी दो ही कार थी जो इस चैलेंज को पूरा कर पाई थी और बाकी सभी यार फेल हो गए थे। सो गाइस अगर आपको आज की ये चैलेंज पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस कमेंट करके बताओ कि यार आपको किस तरह की चैलेंज चाहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।